इसके बाद सी थ्री ए वन, ये तीनों जो है ए वन बी टू और सी थ्री, ये तीनों का जो आर द लार्जेस्ट कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों जो है एक्स वाई जेड का कोफिशियंट, लेकिन ये एक्स वाई जेड का सबसे बड़ा कोफिशियंट होना चाहिए। फिर से बात, जैसे पूरे क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन में एक्स कितना जगह पर, तीन जगह पर, लेकिन सबसे बड़ा एक्स का कोफिशियंट इस जगह पर होना चाहिए। जैसे अगर पूरे क्वेश्चन में देखें तीनों क्वेश्चन, वाई कितना जगह पर, तीन जगह पर, लेकिन वाई में सबसे बड़ा वाई का जो कोफिशियंट है वो इस जगह पर होना चाहिए। इसके बाद जेड, यहाँ पर देखिए आपका तीन गो है, तीन गो में जेड का जो कोफिशियंट जो सबसे बड़ा रहे वो आपका इस जगह पर होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा वाला कोफिशियंट आपका इस डायगोनल में ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, किस रूप में अरेंज करेंगे जो उस रूप में आ जाए। अरेंज कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए तीन को इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला यहाँ मिल रहा है, ये वाला यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला यहाँ मिल रहा है, तो आप इक्वेशन को अरेंज करके देखेंगे किसको किधर करेंगे जो कि अरेंज हो जाए उस रूप में आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि सवाल जो भी रहेगा उस सवाल में ये डायगोनल में जो भी है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ये लार्जेस्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, ये वाला बात सबको समझे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इतना काम होने के बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आएंगे और यहां से हम क्या करेंगे, ये ए वन का मान निकालेंगे, मतलब एक्स का मान निकालेंगे। इसके बाद यहाँ इक्वेशन नंबर टू में आएंगे, यहाँ पर वाई का मान निकालेंगे यहाँ वाले से, इक्वेशन नंबर तीन में आएंगे यहाँ से जेड का मान निकालेंगे इस वाले से। मान निकाल के तब आगे क्या करेंगे बताएंगे। तो अब आप हाँ चला सकते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर डी वन। अब यहाँ से ए वन एक्स, यहाँ से आप निकाल दी मान, ए वन एक्स बराबर ये आपका डी वन माइनस बी वन वाई माइनस सी वन जेड, ये x बराबर 1 by a1 और ये d1 minus b1 y minus c1 z, ये हो गया। इसके बाद अब आइए फिर आप इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सेकंड में जब आएंगे तो यहाँ पर क्या है a2x plus b2y plus c2z बराबर ये आपका d2, यहाँ से आप निकालिए y का, तो b2y बराबर ये आपका d2 और minus a2x और minus c2z, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 by b2, इसके बाद ये d2 minus a2x minus ये c2z, ये हो गया। इसके बाद अब आइए आप इक्वेशन नंबर तीन में, इक्वेशन नंबर तीन में जब आएंगे ये आपका a3x plus b3y plus c3z बराबर d3, यहाँ से z का मान निकालिए, ये आपका हो जाएगा सी थ्री जेड बराबर बी थ्री माइनस ए थ्री एक्स माइनस बी थ्री वाई, ये जेड बराबर ये आपका हो जाएगा वन बाय ये आपका सी बी थ्री और माइनस ए थ्री एक्स माइनस बी थ्री वाई। आपने यहाँ से क्या किया, एक्स वाई और जेड का मान निकाल, कैसे कैसे निकाले सबको देखते रहे। जमा कीजिए x का जो मान है वो 1 by a1 ये आपका b1 minus b1 y और minus c1 z, इसके बाद y का जो मान है वो 1 by b1 sorry 1 by b2, इसके बाद d2 minus a2x और minus c2 z, इसके बाद z बराबर 1 by c3, इसके बाद d3 माइनस ए थ्री एक्स और माइनस ए बी थ्री वाई, ये हमने मान निकाल लिया एक्स वाई जेड का।
इसी तरह से क्वेश्चन में भी आपको एक्स वाई जेड का मान निकाल लेना है। अब यहां पर देखिए, इतना काम होने के बाद हम लोग क्या करें, जैसे मान लीजिए वो इक्वेशन आपको दे रहे हैं एक्स प्लस वाई बराबर ये टू, अगर आपको बोलेंगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या, फट से बता सकते हैं इस इक्वेशन का हल क्या, इस इक्वेशन का हल 2 माइनस 5 तो x बराबर कितना माइनस 3, इस इक्वेशन का मान माइनस 3, x का मान जब माइनस 3 आप रखेंगे इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये इक्वेशन पूरा आसान था, आपने फट से इसका हल निकाला, आपने कहा इसका ये हल है यहाँ पर रखेंगे संतुष्ट कर जाएगा। यहाँ पर ऐसे सब इक्वेशन को सॉल्व करके आप उसका हल निकालना उतना संभव नहीं हो पाएगा कि आप मान रख देंगे कि ये मान रखेंगे तो ये संतुष्ट कर जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है x के जगह पर 0, y के जगह पर 0 और z के जगह पर 0 रखेंगे। हमने कहा इतना काम करने के बाद x के जगह पर 0, y के जगह 0 और z के जगह 0 रखेंगे। ये इसलिए रखते हैं ताकि इसका मान को हम सॉल्व कर पाए, इसको आगे ले जा पाए, मान के ही चलते हैं ये क्वेश्चन ये संतुष्ट कर जाएगा इस मान पर। और x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0 रखने पर इस इक्वेशन के कन्वर्जेंसी पर कोई फर्क ज्यादा नहीं डालता है। ज्यादा का मतलब यह हुआ यदि इस इक्वेशन का हल करके मान अगर रखेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है ज्यादा ज्यादा 3 स्टेप 4 स्टेप जाएगा। लेकिन यदि एक्स के जगह 0, वाई के जगह 0, जेड के जगह 0 रखते हैं, इसके कन्वर्जेंसी पर इतना फर्क पड़ेगा कि जो स्टेप 5 स्टेप में बनना था जो सवाल, तो वह स्टेप 10 स्टेप में जाके बनेगा, हो सकता है 12 स्टेप में जाके बनेगा। लेकिन सारे सवाल का हम लोग सोल्यूशन नहीं कर सकते, इसीलिए इन जनरल जो है आपको यहाँ पर x के जगह 0, y के जगह 0, z के जगह पर 0 रखना है। कन्वर्जेंसी क्या होता है वो आगे चलेगा पता, लेकिन अभी आप समझ लिया। अब यहाँ पर जो है फर्स्टली वी पुट x बराबर 0, जिस तरह से लिखना है वैसे लिखिएगा, y बराबर 0 और z के जगह पर 0, x के जगह 0, y के जगह 0, z के जगह पर 0 रखिए। ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट के लिए जो है x के जगह पर 0, y के जगह 0, z के जगह पर 0 रखेंगे। ये जीरो को जो है हम नाम देंगे यहाँ पर क्या, जीरो का नाम देंगे एक्स नॉट, ये वाई का मान जीरो जो है इसका नाम देंगे वाई नॉट, जेड का जो जीरो है ये आपका हुआ जेड नॉट। ये किसके लिए हुआ, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट के, पहले अप्रोक्सीमेट के लिए ये आपका यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट, पहले अप्रोक्सीमेट के लिए जो है ये मान रखा। अब देखिए लिखने का तरीका क्या, लिखने का तरीका यहां पर यह होगा, पहले अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा एक्स वन वाई वन जेड वन। ध्यान सुनिए, यहां पहले अप्रोक्सीमेट जो हमने मान रखा होगा ये किसके लिए, पहले अप्रोक्सीमेट के, तो पहला अप्रोक्सीमेट है एक्स के जगह वन, वाई के जगह वन, जेड के जगह वन रखेंगे। पहला अप्रोक्सीमेट ये x1, अब यहाँ 1/a1। अब यहाँ पर देखिए आप x के जगह पर क्या रख रहे हैं, यहाँ पर 0 रखना मतलब क्या, क्या रखना, x0, x0 रखना, ये आपका हो जाएगा d1 अब माइनस ये b1, y है तो y के जगह पर ये आपका y0, अब माइनस ये आपका c1 और ये आपका z है तो ये आपका हो जाएगा z0। ये हो गया। इसके बाद ये आपका x2 बराबर, सॉरी, ये आपका y1 बराबर ये 1/b2, इसके बाद ये आपका d2 - a2, x के जगह पर क्या है x0 माइनस ये c2, z के जगह पर क्या z0। इसके बाद ये आपका z1 बराबर 1/ ये आपका c3, इसके बाद d3 और माइनस ये आपका a3, x के जगह पर x0,
अब बी थ्री वाई के जगह पर क्या है, ये आपका वाई नॉट, ये वह पहले अप्रोक्सीमेट के क्योंकि यहां पर छोड़ी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने एक्स जीरो रखेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये कॉन्स्टेंट बचेगा। तो यहां पर आपको बता रहे हैं एक्स जीरो को एक्स नॉट बोले, वाई को जीरो को वाई नॉट, जेड वाले जीरो को जेड नॉट, लेकिन जब सवाल जब बनाएंगे तो वहां चला एक्स वाले की जगह पर क्या रखना है, जीरो जीरो जीरो। ये हो गया पहला अप्रोक्सीमेट के लिए। अब सेम इसी प्रकार से हम चल सकते हैं कि अगर सेकेंड अप्रोक्सीमेट अगर लिखें, सेकेंड अप्रोक्सीमेट के लिए देखिए क्या, सेकेंड अप्रोक्सीमेट अगर लिखना हो यहाँ वन टू से वन वन के जगह क्या हो जाएगा टू टू टू। अच्छा एक से और देखिए, तो यदि ये आपका वन पहला वाला है, ये वेरिएबल में क्या है, ये जीरो। अगर दूसरा वाला लिखेंगे तो वेरिएबल के जगह पर क्या है, वन है, सेम उसी तरह लिखना है। ये आपका हो जाएगा एक्स टू बराबर दूसरा अप्रोक्सीमेट के लिए वन बाय ए वन, इसके बाद ये आपका डी वन और माइनस ये आपका बी वन, इसका तो वाई नॉट के जगह पर हो जाएगा वाई वन और माइनस ये आपका सी वन, जेड नॉट के जगह पर ये आपका हो जाएगा जेड वन। इसके बाद ये आपका वाई वन बराबर वन बाय ये आपका बी टू और ये डी टू और माइनस वाई टू बराबर। इसके बाद ये आपका ए टू एक्स नॉट है क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस ये आपका सी टू और जेड नॉट है तो जेड वन। इसके बाद ये जेड वन बराबर वन बाय ये आपका सी थ्री, जेड टू बराबर वन बाय सी थ्री और ये डी थ्री और माइनस ये आपका ए थ्री एक्स वन माइनस ये आपका बी थ्री और ये आपका वाई। ये हो गया आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेट के। तो चेंजिंग सिर्फ कहाँ पे होना है, वेरिएबल में, बाकी और कहीं पर नहीं। ये तो हो गया सेकेंड अप्रोक्सीमेट। अगर हम कहें आपको थर्ड अप्रोक्सीमेट लिखने के लिए, थर्ड अप्रोक्सीमेट अगर लिखेंगे आप, अब तो समझ ही गया यहाँ पर हो जाएगा एक्स थ्री है, यहाँ वेरिएबल वाई वन में है, ये टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाय ए वन और ये आपका डी वन माइनस बी वन वाई टू माइनस ये सी वन और ये आपका जेड टू और ये आपका वाई थ्री बराबर वन बाय बी टू और ये डी टू माइनस ए टू एक्स टू और माइनस ये सी टू जेड टू। इसके बाद ये आपका जेड थ्री बराबर वन बाय सी थ्री और डी थ्री और माइनस ए थ्री एक्स टू और माइनस ये आपका बी थ्री और ये आपका वाई। इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे 10 स्टेप 12 स्टेप 15 स्टेप 20 स्टेप तक। अब यहां पर हम रुकेंगे कब, हम उस समय रुक जाएंगे जिस समय की, जैसे मान लीजिए हमने सेकेंड अप्रोक्सीमेट निकाला और ये थर्ड अप्रोक्सीमेट निकाला, हम उस समय रुक जाएंगे जिस वक्त की ये सेकेंड अप्रोक्सीमेट, एक एग्जांपल दे रहे हैं, सेकेंड अप्रोक्सीमेट और थर्ड अप्रोक्सीमेट का जो मान है वो लगभग मिलता जुलता है। लगभग मिलता जुलता का मतलब यह हुआ कि दो तीन पॉइंट के बाद दो या तीन डिजिट अगर आपका सेम सेम मिलना स्टार्ट हो जाए तो आप कहेंगे कि ये दोनों जो है वो आपका क्या कर दिया, कन्वर्स कर दिया, ये दोनों आपका कन्वर्स कर गया। जब जैसे कन्वर्स करेगा एक्स वाई जेड का जो मान आएगा सॉल्व करने के बाद वही मान इस लिनियर इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट मान कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपने एक्स सेकेंड अप्रोक्सीमेट मान लीजिए, आपने एक्स का मान निकाला एक्स टू, ये आपका हो गया 1.999, ये आपका वाई टू आपने निकाला तो वाई टू आपने निकाले ये आपका आ गया मान लेते हैं ये आपका 2.00001। इसके बाद y3 निकाले ये आपका हो गया मान लेते हैं 1.49496 ये आपका है। तो जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपका डिजिट का तीन चार पांच डिजिट आ ही जाएगा,
जब सोल्व किए तो मान लीजिए कि आपने सेकेंड अप्रोक्सीमेट का मान निकाले, इसके बाद थर्ड अप्रोक्सीमेट आप निकालेंगे तो मान लीजिए x2 का जो मान है 1.9989 है, जैसे मान लीजिए y2 का मान है ये आपका 2.000 बना है, ये z3 का जो मान है z3 का जो मान है मान लेते हैं 1.4614 इतना है। देखिए तो ये दोनों जो है ये वाला मान ये वाला लगभग मिलता जुलता है, डिजिट का दो स्टेप देखिए दो डिजिट लगभग मिलता जुलता है, तीन डिजिट लगभग मिलता जुलता है, ये दोनों जो मान है वो आपका कन्वर्स करिए। कन्वर्स करने का मतलब ये होगा दोनों मान सेम है, जब सेम आ जाए तो आप कहेंगे कि ये दोनों आपका क्या करिए कन्वर्स कर दिया आत्मा स्टेप पर, जैसे कन्वर्ट करेगा तो ये एक्स वाई जेड का जो टू मान लिखना होगा ये वाला जो सबसे लास्ट मान आएगा उस मान को आप लिख देंगे तो ये आपका एक्स वाई जेड का अप्रोक्सीमेट मान कहलाएगा इस लीनियर इक्वेशन का। सवाल जब बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये कैसे कैसे स्टेप करके यहाँ तक लाए सबको समझे कब रुकना है ये भी समझ गया। आप चाहें तो चार स्टेप भी जा सकते हैं, पांच स्टेप जा सकते हैं, यहाँ दर इसको पता नहीं है, सवाल आएगा तो अपने आप लाइएगा। चलिए अब यहाँ पर लिखना है प्रोसीडिंग एज अबव। अब यहाँ पर देखिए तो सेम इसी प्रकार से अगर चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे तो अगर आपको कह दें कि आर प्लस वन अप्रोक्सीमेट, आर प्लस वन अप्रोक्सीमेट, ये तो देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेट हो गया, ये थर्ड अप्रोक्सीमेट हो गया। अगर आर प्लस वन अप्रोक्सीमेट अगर चलेंगे, सोचिए यहाँ थर्ड अगर है तो यहाँ पर तीन 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 है, इसके बाद ये वेरिएबल में सब जगह क्या है उससे एक कम है, सेम उसी प्रकार से आर प्लस वन अप्रोक्सीमेट अगर चलेंगे हम यहाँ पर क्या आएगा आर प्लस वन, अब बाकी सब अंदर में जो वेरिएबल है वहां पर क्या है आ जाएगा। यहाँ पर आर प्लस वन अप्रोक्सीमेट में जो है ये आपका हो जाएगा एक्स आर प्लस वन बराबर ये वन बाय ये आपका ए वन, इसके बाद डी वन माइनस ये आपका बी वन बाय आर माइनस ये सी वन जेड आर, इसके बाद y r प्लस वन बराबर वन बाय ये आपका b2 और ये d2 और माइनस ये a2 और y x r माइनस ये आपका z2 r, इसके बाद z r प्लस वन बराबर ये आपका हो जाएगा वन बाय ये आपका इसके बाद ये आपका ए थ्री, इसके बाद एक्स आर माइनस ये बी थ्री और ये वाई ये आपका।